यूं तो पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा करने के लिए होते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले भी अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं तो आम जनता लाचार हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया दिल्ली में भी देखने को मिला, जहां दिल्ली पुलिस की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिसकर्मी की दबंगई से परेशान होकर एक टैक्सी ड्राइवर ने पूरा मामला अपने फोन में कैद कर लिया। दरअसल टैक्सी ड्राइवर सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर सड़क के उस पार पेट्रोल पंप पर गया था। उतने में ही एक कांस्टेबल ने आकर टैक्सी के चारों टायरों की हवा निकाल दी और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। इन्होंने दादागिरी मचा रखी है, मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे पैसे देने गया हूँ और आते इनको मैंने बोला भी है। इन्होंने हाथ उठाया मेरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, ठीक है ना, मेरे को माँ बहन की गाली दी इन्होंने, और आते इन्होंने बोला तेरे बाप की जगह तूने गाड़ी कैसे खड़ी करी यहाँ पे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ड्राइवर कितना आक्रोशित है और ये वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। ये इन्होंने कांस्टेबल नरेश कुमार हैं जी यहाँ पे, और मेरे को बोल रहे हैं बीट कांस्टेबल हूँ मैं यहाँ पे और तेरी गाड़ी भी बाउंड करवाऊंगा मैं। अरे तो नाम यार, टैक्सी नंबर वाला टैक्सी वालों को बहुत ज्यादा बदला वो कर रखा है इन्होंने। नाम बता, ठीक है ना, नाम बता, हो गया मेरा नाम हो गया और अभी इसको मैं मीडिया में डालूंगा, नाम बता, ठीक है ना।